हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 29 फरवरी 2020। वीकली एमसीक्यू आज का डिस्कस कर लेंगे। ओके, पहले तो आज है 28 फेब, तो आज का भी जो करंट अफेयर होगा वन लाइन में उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 24 फरवरी से वो डिस्कस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो कल के में आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 27 फरवरी को। छठवां, तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? तो वो है ICGS वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मध्यम उद्यमों के लिए सभी नए फ्लोटिंग रेट ऋण के लिए किसके साथ जोड़ने का निर्देश दिया है? तो बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश दे दिया है और ये 1 मार्च 2020 से लागू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भुगतान बैंक के आधार पर सक्षम प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की जो है भुगतान बैंक के आधार पर सक्षम प्रणाली जो है सक्षम भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी को भारत और किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यांमार के साथ ये 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। म्यांमार के राष्ट्रपति अगर पूछे जाएंगे तो यू विन मिंट है और म्यांमार की कैपिटल है नेपितो और वहाँ की करेंसी है क्यात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी को नीति आयोग अटल इनोवेशन ने किस संघ के साथ मिलकर भारतीय विद्यालयों में छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉड्यूल शुरू किया है? ओके, तो वो किया है राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ ने। इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मॉड्यूल शुरू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सक्षमीकरण के लिए जिम्मेदार AI पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर परिषद 11 से 12 अप्रैल को किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2020 को किस शहर में आयुर्वेद यूनानी और चिकित्सा की प्रणाली की निदान और शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फरवरी को किस शहर में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं लचीलापन पर प्रथम राष्ट्रीय परिषद आयोजित की गई है? तो वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इरेशनली पैशनेट माई टर्न अराउंड फ्रॉम रेवेल टू एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जेसन कोठारी जी। इनर्शली पैशमेंट माई टर्न अराउंड फ्रॉम रोवेल टू एंटरप्रेन्योर। ओके, तो इनके जेसन जो पुस्तक है इसके जो लेखक है उनका नाम है जेसन कोठारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों और पालतू जानवरों की मूल प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी राज्य सरकार उनके आनुवंशिक अध्ययन करने की योजना बना रहा है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव शुरू करने की सोच ली है और ये मराठवाड़ा जो क्षेत्र है उसमें ये योजना को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर नैवेक तकनीक को अपने स्मार्टफोन में लाने की लिए समझौता कर लिया? जाओमी। तो ये जाओमी नहीं, ये वो जो शाओमी फ़ोन आता ना, तो वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया एक अद्वितीय जीव कौन सा है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, जो कि पहला ज्ञात बहुकोशिकीय पशु है? उसका नाम है हेनेगोआ साल्मिन कोला, ये परजीवी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया, इसके लिए थीम क्या रही थी? तो लिविंग थ्रेट्स जो है इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया है? तो 19 से 24 जो ईयर आएगी उसके लिए इस रणनीति का अनावरण कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीच मचर किस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रीच मचर ने दक्षिण सूडान के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस जगह लगभग 3000 टन तक सुवर्ण धातु की खोज की है? तो सोनभद्र जिला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शहर में लद्दाख शिशिर परिषद 2020 का आयोजन किया गया है? तो लेह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड इस विषय के तहत 22 फरवरी को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में चित्र भारती फिल्म उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष आदर्श विधान परिषद अध्यक्ष पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने पी रामकृष्णन, ये केरल विधानसभा के सभापति हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुनील गुरबख्शानी को किस बैंक के प्रबंध निदेशक को मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो धनलक्ष्मी बैंक की प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अब कौन बने कि सुनील गुरबख्शानी। ओके, ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दी गई वार्षिक प्रत्यक्ष कर शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार 2020 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ इन हाउस डायरेक्ट टैक्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस पर स्टार लगाकर मार्क कर सकते हैं। तो भास्कर खुलवे और अमरजीत सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल जूनियर आइस हॉकी एंड स्केटिंग चैंपियनशिप के विजेता कौन सी टीम रही है? तो वो रही है द्रास रेड ड्रीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गांधी शांति केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ओडिशा में हुआ है, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के कौन कौन से शहर हैं जिन्हें स्वच्छ भारत अभियान द्वारा खुले में शौच मुक्त प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो वो दो जिले हैं, हैलाकांडी और गोलाघाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने 21 फरवरी को सर्वसम्मति से एक निजी सदस्य के प्रस्ताव को अपनाया जिसमें केंद्र ने विधान जो संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उपाय करने के लिए कहा है? तो मिजोरम में, मिजोरम कैपिटल तो आप सभी पता ही है आइजोल होती है। आज ऑनलाइन क्वेश्चन है तो हम कुछ भी डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, दुनिया की पहली ब्लॉकचेन चॉकलेट बार जो इक्वाडोर में निर्मित है और UNDP फेयर चैन फाउंडेशन और अल्टरनेटिव फाइनेंस लैब द्वारा संचालित है, उसका नाम है द अदर बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फोरम कौन सा है जो 25 फरवरी 2020 को US इंडिया टेक्स्ट फोरम प्रस्तुत करेगा? तो वह फोरम है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया जो विशेष रूप से अफगान पारागमन कार्गो को परिवहन करेगी? तो ये जो है पाकिस्तान ने एक ट्रेन चलाई है जो अफगान पारगमन कार्गो का परिवहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए एक उच्च तकनीकी निगरानी प्रणाली बनाने के उद्देश्य से किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जो सीरिया के इदलिब के अंतरिम विद्रोही एनक्लेव में स्थिति पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च 2020 को रूस फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो वो है टर्की में। ओके, टर्की की कैपिटल होती है अंकारा, वहाँ की करेंसी होती है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग द्वारा 24 फरवरी को किस शहर में अनसेंबल मेथड्स इन मॉडलिंग इन डेटा एसिमिलेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नोएडा में, नोएडा की फुल फॉर्म होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो हुई है 8,46,00,000 से अधिक, जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को 2,000 रुपये की किस्त में, तो वो 8,46,00,000 से अधिक किसान इसको प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2020 को किस शहर में द्वितीय कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो हैदराबाद में ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरू नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल कौन से राज्य में है जो कि 100 मीटर लंबा होगा? तो ये होगा मणिपुर के तामेंगलांग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो है डॉक्टर नीति कुमार, जो कि लखनऊ में है। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स कौन बनी है 2020 की? तो वो बनी है एडलाइन कैस्टेलानो। चेन्नई में खेले गए NTT
एसटीसी ट्रायथलोन एशियन कप 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं सर्बिया के ऑक्जेन स्टोजा नोविक पुरुष वर्ग में और चिली की बारबरा रेवेरोस महिला वर्ग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में ने किन शहरों में दो अवशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं? तो शिमला और मनाली में इन्होंने दो ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, शिमला में 1.75 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र स्टेशन है और मनाली में 1 मेगावाट का। ओके, वह राज्य कौन सा है जो भांग के पौधे से दवा विकसित करने वाला पहला राज्य होगा जिसने CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन और इंडस्कैन कंपनी कैनेडा के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भारत में कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय शुल्क उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड के दौरान सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जो था कौन सा रहा है? तो CISF का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा था परेड में, और अगर सबसे अच्छी झांकी पूछी जाएगी तो असम की बताई जाएगी, उसे ही प्राइज मिला है। 2018-19 के राजकोषीय वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि चीन से भी आगे है। वह कंपनी कौन सी है जो भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन के साथ भागीदारी कर रही है ताकि विकलांग युवाओं के लिए अवसर पैदा करने में मदद मिल सके? तो वह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ कोलैब कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रजनीश कुमार, और 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में नहीं, मुंबई में है। ओके, नई दिल्ली बोलते बोलते नई दिल्ली आ जाता बार बार। 31 मार्च से 5 अप्रैल 2020 तक होने वाले पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिले के बीर विलिंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक वेब फॉर्म जो है प्रस्तुत कर दिया है, यह सभी नई कंपनी के निगमन के लिए लागू होगा। तो उसका नाम क्या है? तो स्पाइस प्लस, SPICE+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस 2019-20 के लिए कर्नाटक के अवक्का पुरस्कार की विजेता कौन बनी है? तो वो बनी है लेखिका उषा पी राय और खिलाड़ी सीमा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रांस में खेले गए 24वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो वो है ग्रैंड मास्टर डी मुकेश, जो कि 13 वर्ष के हैं ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा का मेजबान देश कौन सा रहेगा? तो वो हमारा देश भारत रहेगा, और चंडीगढ़ में होंगे भारत के अंदर। चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ की जो कैपिटल होती है वह चंडीगढ़ ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन अन्ना बास्ती दीवाने योजना शुरू की है जिसके तहत ITI पॉलिटेक्निक स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों को रहने और खाने के खर्चों को पूरा करने के लिए 2300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो वो शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। अब आंध्र प्रदेश का थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है, पर प्रस्तावित कैपिटल जो थी वो थी अमरावती, और है भी अभी 2024 में अमरावती हो जाएगी। पर इन्होंने भी क्या किया है कि विशाखापत्तनम और कुरनूल को भी अपनी कैपिटल बना लिया। तो इस हिसाब से भारत का पहला ऐसा राज्य जिसकी 3 कैपिटल होंगी, एक न्यायिक होगी, एक वैधानिक होगी, ठीक है, और एक मतलब आवासीय होगी, क्षेत्रीय होगी, ठीक है। तो इस तरह 3 कैपिटल है, और इन्होंने एक पहला राज्य ये भी है कि इन्होंने विधान परिषद थी उसे भंग कर दिया। इनका तर्क ये है कि जब वो कोई डिसीजन ही नहीं लेती तो उसका होने का क्या मतलब है, तो इन्होंने अपनी विधान परिषद भी जो है भंग कर दी। एक क्वेश्चन और बनता है, भाषा के तौर पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। 1954 में आंध्र प्रदेश में भाषा के तौर पर गठित हुआ था ये। ओके, जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के CM है। तो इसमें भी देखो, जगन अन्ना बास्ती दीवाना आ गया, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जगन मोहन रेड्डी जो हैं वहाँ के CM हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश की तमिलनाडु राज्य के साथ जोड़ी तैयार की गई है?
तो किसके साथ तैयार की गई है? जम्मू कश्मीर के साथ। अब तमिलनाडु की कैपिटल होती है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। राज्यपाल वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक। तो अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हो जाती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसका मतलब 370 and 35 ए वहाँ से हट गया, ओके। तो फिर यहाँ के नए उपराज्यपाल बनाए गए, तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में एक राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में चार मीनार भी आपको देखने को मिल जाएगी। दिल्ली विधानसभा के सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामनिवास गोयल को नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी वहाँ पर इलेक्शन हुए। तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में जो CM बने हैं, वो बने अरविंद केजरीवाल जी, ये आप सभी को पता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे, जब अरविंद केजरीवाल CM भी बन चुके तो वहाँ पर दंगे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनके हाथ में नहीं है कुछ भी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो देख सकते हैं जो भी है, पर जो पुलिस है दिल्ली की वो केंद्र के अंडर में वर्क करती है। तो जब तक वो कमांड नहीं करेंगे तब तक वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि अब कंट्रोल हो रही है सिचुएशन, कल हम न्यूज़ देख रहे थे तो उसमें दिखा रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल हो रही थी, जो आउट ऑफ कंट्रोल थी वो। तो और अब बात करते हैं पॉलिटिकल विषय में, हमें कोई बात भी नहीं करनी है क्योंकि हमें पढ़ाना है आपको। तो जो दिल्ली है उसकी कैपिटल तो दिल्ली होती है, तो सभी को पता है नई दिल्ली होती है, ठीक है। अब वहाँ के CM तो हमने बताए दिए, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे जाएंगे तो वो हैं अनिल वैजल जी, ओके। वहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए दिल्ली कौन सी हिल पर अवस्थित है, तो रायसीना हिल एक है, उस पर दिल्ली अवस्थित है। लाल किला, लोटस टेम्पल वहाँ के पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो भी दिल्ली में है, ठीक है। एंड जो दिल्ली है वो बनाई किसने? तो सर एडवर्ड लुटियंस ने दिल्ली की स्थापना की थी, तो ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। एंड दिल्ली में जो आर्टिकल यूज होता है वो होता है 239 AA, वहाँ पर आर्टिकल यूज होता है, ओके। DRDO का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी की तुलवा रानी जो कि पोर्टुगीज से लड़ी थी, उनकी याद में वक्का उत्सव 19 February 1 March को कहाँ आयोजित किया गया था? तो उल्लाल, कर्नाटक में। अब कर्नाटक क्या है? बेंगलुरु की कैपिटल, कैपिटल है कर्नाटक की बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु पहला शहर है जिसने अपना लोगो लॉन्च कर दिया था, बेंगलुरु को IT शहर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बेंगलुरु जो अभी एक इंडेक्स लॉन्च हुआ था उसमें फर्स्ट प्लेस पे, माइंड से स्लिप हो रही, कौन सी इंडेक्स थी, ट्रैफिकिंग इंडेक्स थी मे बी, उसमें फर्स्ट प्लेस पर है बेंगलुरु, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि वनस्पति से व्युत्पन्न क्रिस्टल को सुपर ग्लू में विकसित किया जा सकता है जिसमें 90 किलोग्राम तक वजन संभालने की पर्याप्त शक्ति होती है? तो वो है ऑल्टो विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? फिनलैंड में। फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। अब थोड़ा बहुत स्टैट के पोर्शन देख लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस पर, जिनकी मृत्यु हो गई थी 16 अगस्त 2018 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? तो 1971 में 1 January को हुई थी। मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। विश्व नशा विरोधी मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1999 में 10 नवंबर को स्थापना हुई। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा फिलीपींस से। एक बात और ही आपको याद रखनी है, ADB का हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में मिलेगा। IUCN की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये फुल फॉर्म आपको याद भी रखनी है। तो ये हुई थी 1948 में 5 अक्टूबर को। मुख्यालय इसका मिलेगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ओके। तो
तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीकली सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और खबरी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ से अपना ऑडियो रिवीजन पर डे कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 100% और इम्पॉर्टेंट रूप से वहाँ पे आपको फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन भी ज़रूर ज़रूर करना है, ओके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे मेंशन कर सकते हैं, एंड आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और अपने सपनों का और अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।